हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं भूगोल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक लेसन दिया था जिसमें मैंने भूगोल के 40 प्रश्न बताए थे। वो ये वैसे क्वेश्चन हैं जो हमारे 2018 के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और हमारे इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर वेंक कहाँ स्थित है? यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर वेंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तर सागर या नॉर्वेजियाई सागर? तो यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर वेंक कहाँ पे है? तो उत्तरी सागर में है। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर वेंक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में है। फ्रेंड्स, इसके पहले के क्वेश्चंस जो हैं, मैंने 18 क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, वो लास्ट वीडियोस में है। मैं इसमें लिंक दे दूँगी, आप उससे पहले के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपके पूरे 40 आंसर्स बहुत अच्छे से हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश की सीमा से लगती है? किसकी सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश की सीमा से लगती है? सूडान, ब्राज़ील, चीन या जापान? तो किसकी सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश से लगती है? तो वो उसका आंसर है चीन। एशिया महाद्वीप में है चीन, तो इसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में बृहद काफ़ी रोपण कहलाता है। देखिए, हम जानते हैं कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी का जो रोपण होता है, कॉफ़ी को जो लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ब्राज़ील में? संपदा, फार्म, फजेंडा या काले खोज? तो ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण को बोला जाता है फजेंडा। क्या बोला जाता है? फजेंडा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदा किस देश की जनजाति है? हैदा किस देश की जनजाति है? तो हैदा जो जनजाति है वो कनाडा की है। हैदा जनजाति कहाँ की है? हैदा जनजाति कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकची किस देश की जनजाति है? चुकची किस देश की जनजाति है? चुकची, तो रूस, कनाडा या भारत? तो चुकची जो है वो रूस की जनजाति है। चुकची कहाँ की जनजाति है? तो चुकची जो है वो रूस की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसे कहाँ की जनजाति है? लेसे कहाँ की जनजाति है? कनाडा, रूस या जायरे? तो जो लेसे है वो जायरे की जनजाति है। लेसे कहाँ की जनजाति है? जायरे की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरनोजेम मृदा वर्ग किस प्रकृति में पाया जाता है? चरनोजर्म मृदा वर्ग किस प्रकृति में पाया जाता है? शीतोष्ण घास स्थल या भूमध्य सागरीय घास स्थल? तो चरनोजेम मृदा वर्ग जो पाया जाता है वो पाया जाता है शीतोष्ण घास स्थल में पाया जाता है। चरनोजेम मृदा वर्ग शीतोष्ण घास स्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में हाई पेन और मृतिका पेन कहाँ पाए जाते हैं? ए क्षितिज में, बी क्षितिज में, सी क्षितिज में या ए सी क्षितिज में? तो मिट्टी में जो हाई पेन और मृतिका पेन पाए जाते हैं वो ए क्षितिज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ए क्षितिज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? देखिए, हमको पता है कि विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाते हैं, तो ये पहली बार कब मनाया गया, कब से स्टार्ट हुई इसको मनाने की? तो ये मनाना स्टार्ट हुआ था 1974 से। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना कब से स्टार्ट हुआ था? 1974 से। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1974 में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन मिलाती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? नंबर 1 स्वेज नहर, नंबर 2 पनामा नहर, नंबर 3 कील नहर या कोई नहीं? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर मिलाती है। कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेनिज पर्वत किन दो देशों के बीच में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? फ्रांस और स्पेन, इटली और फ्रांस, या भारत और पाकिस्तान? तो जो प्रेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच है। प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? फ्रांस और स्पेन के बीच है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी जो निकलता है, जैसे कि ये छिद्र हो गया है और यहाँ से ये ज्वाला के रूप में निकल रहा है, तो ये जो मुख रहेगा इसको क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं, ये जो मुख होगा इसको क्या बोलेंगे? बरखान क्रेटर या मैंडर? तो ज्वालामुखी के मुख को बोला जाता है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? इटली, जापान या इंडोनेशिया? तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी इटली में है, इटली में बहुत से ज्वालामुखी हैं, याद रखिएगा, यूरोप में है इटली, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो ये कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये कहाँ पे है माउंट एटना ज्वालामुखी, ये इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? देखिए पार्थिव ग्रह वो कहलाते हैं जो पृथ्वी के आसपास है, जो पृथ्वी की तरह है, इसलिए उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, बाकी के चार ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं होते हैं। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, तो देखिए बुध, शुक्र, मंगल जो हैं पार्थिव ग्रह होंगे, क्योंकि पृथ्वी के आसपास है, पृथ्वी के समान है। शनि ग्रह नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकल या डायोराइट? तो पृथ्वी के केंद्र में निकल पाया जाता है। आपने सुना होगा, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके बीच में निफे पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्र को निफे बोलते हैं। तो यहाँ पे निफे से मतलब होता है निकल प्लस आयरन। निफे से क्या मतलब होता है? निफे से मतलब होता है इसका निकल प्लस आयरन। तो ये निकल प्लस आयरन इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? नंबर एक अमेजन नदी, नंबर दो मिसौरी नदी, नंबर तीन सेंट लॉरेंस नदी, या नंबर चार जेम्बेजी नदी? तो विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? जेम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट 5 जून, 29 मई, 11 जुलाई या 22 अप्रैल? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो चारागाहों का स्वर्ग कौन सा देश कहलाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या नीदरलैंड? तो न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहते हैं। किसे बोलते हैं चारागाहों का स्वर्ग? तो किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? आंसर है थाईलैंड या मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम? तो लाल नदी जो बहती है वो वियतनाम में बहती है। लाल नदी कहाँ बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा। जैसे ही जल्दी से एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत कोई भी आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी समुदाय एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं जल्दी ही पूरे करेंट के वीडियो भी आपके लिए लाने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।